जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ मैं फैजल आज हमारे चैनल पर, जो कि मैं पहली बार आया हूँ हमारे चैनल पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तूफान के चैनल पे कहाँ से आ गया, तो के अंदर में मतलब ये वाला चैनल हम लोग के अंदर में मर्ज हो चुका है, तो इसलिए इसमें मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा और तूफान भी बनाएगा ब्लॉग। दोनों के अंदर हम लोग का ये चैनल मर्ज हो चुका है, जैसे कि ये चैनल हम लोग दोनों का ही है। आपको पता ही होगा मेहनत किया है बहुत तूफान ने चैनल के लिए, तो अभी मुझे बहुत कुछ मेहनत करना होगा हम लोग चैनल के ग्रो के लिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं लिंगराज टेम्पल। जैसे कि हम लोग ओडियो का रावण मंथ होता है, मंथ में आज हम लोग का मतलब बोलबम आने वाले हैं। बोलबम जैसे कि लिंगराज टेम्पल में लागे पानी डालना है लिंगराज के लिंग के ऊपर, इसलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं लिंगराज टेम्पल। तूफान ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया, बोला कि नहीं आज हम लिंगराज टेम्पल के पर एक वीडियो बनाएंगे, रावण मंथ है, तो हम लोग ने निकल पड़ा। तो जा रहे हैं अभी, देख लीजिए ये रोड आईटीआर का, ओ भाई साहब मतलब कुछ भी, ये कंस्ट्रक्शन वाले कहीं पर भी कुछ भी खोद देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं यार, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो प्लानिंग वगैरह करते एक सेपरेट रोड में इधर कंस्ट्रक्शन करते इधर वाला छोड़ देते, लेकिन नहीं आटे टाइम हर जगह कंस्ट्रक्शन। क्या ये रोड है, जा रहे हैं हम लोग आईटीआर रोड पे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब भुवनसर बासिंदा हैं तो बिल्कुल मानसून के टाइम पे और बारिश के टाइम में आईटीआर रोड मत ही न ले, और कहीं से मतलब किसी रोड से थोड़ा कहीं दूर होगा लेकिन आ जाए, लेकिन आईटीआर रोड कभी सजेस्ट मत करना किसी को बारिश के वक्त। बारिश भी हो रहा है, रेनकोट भी हम लोग पहने हुए हैं, तूफान भी पीछे आ रहा है मेरा बाइक लेकर, बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, मजा भी आ रहा है, लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इसका भी काम पेंडिंग है लेकिन हम लोग निकल चुके हैं, ये हम लोग कल रात से प्लानिंग की है, मतलब लिंगराज टेम्पल पे वीडियो बनाएंगे, मतलब बनाएंगे। फिस गया भाड़ में, हम लोग सो के उठे 10-11 बारिश की वजह से, नहीं तो वरना हम लोग का सुबह ही वीडियो आ चुका होता। कोई नहीं चलते हैं, इधर का रोड सही है, मौसम देख रहे हो भाई, लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या ही मौसम दिया है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और ऊपर से हम लोग सिंगल, कौन समझेगा ये दर्द। सारे यहाँ पर बोलबम वाले आए हुए हैं। अरे तूफान, एक्चुअली यहाँ पर मतलब तुम लोग का डेट तो कल है ना, तो यहाँ पर आज से क्यों इतना हरा जाम लगा हुआ है? इसलिए आज इतना जाम लगा हुआ है कि कल जो सोमवार है, जो दूर दूर से लोग आते हैं, तो कल तो सोमवार निकल के सोमवार इधर पहुँचते नहीं है, इसलिए एक दिन पहले आ जाते हैं, तो रात 12 बजे से इधर पानी डालना। अच्छा, मतलब जो दूर दूर से आते हैं तो उन लोग आगे यहाँ पर स्टे रहते हैं, फिर रहते हैं, फिर सुबह रात के 12 बजे से जैसे ही कल हो जाता है पानी डालना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा चलो,
फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हुआ, क्या नहीं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन क्या, उनसे बात करते हैं थोड़ा। चलो देख सकते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं इधर। ये वाला एक गेट है उस लिंगराज टेम्पल का। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या है, अंदर दिखते हैं। हम दोनों को भी पता नहीं है ये पानी कहाँ से, मतलब कहाँ ढाला जाता है, पूछते हैं किसे। टेम्पल के अंदर भी देखिए कितना सारा बड़ा वाला एक पॉन्ड है इधर, तालाब जिसे बोलते हैं। और इसके देखिए साइड साइड में मतलब कितना छोटा छोटा सा, छोटा छोटा सा कितना मंदिर बनाया हुआ है। अरे तूफान एक बात बता, इतना ये तो रहा तालाब, इसके अंदर इतना छोटा छोटा सा टेम्पल क्यों बनाया हुआ है? छोटा छोटा टेम्पल इसलिए बना हुआ है कि ये जो टेम्पल है ये लिंगराज टेम्पल है। अच्छा, तो लिंगराज का मतलब ये है कि जितना सारा लिंग है, शिवलिंग है, हाँ। सब शिवलिंग का जो राजा होता है, किंग होता है, वो रहते हैं उधर। अच्छा, लिंगराज लिंग का बड़ा वाला टेम्पल के अंदर। अच्छा, तो 108 जो लिंग है, अच्छा, 108 लिंग है तालाब का चारों साइड में, एक एक करके 108 का लिंग। अच्छा, पूरा 108 बनाया हुआ है ना? अच्छा, 108 बना हुआ है, इन लोगों का जो राजा है। अच्छा, वो उधर रहते हैं, वो इधर रहते हैं ना, उसको बोला जाता है लिंगराज, पूरा लिंग का राजा रहते हैं इसलिए वो लिंगराज कहलाते हैं। जो दूर दूर से लेके आए हैं पानी, ये मतलब कहाँ पर ढालेंगे, यहाँ इधर ढाले या रहता है? अच्छा, तो चलो फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं हम लोग को छोड़ते हैं कि नहीं, या प्रोहिबिटेड है या कुछ है, बात करके देखते हैं उधर। चलो हाँ, कहाँ से आए हुए हैं इधर, चलो उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं उन लोग। सब आप कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा, बरगढ़ से आए हुए हैं यहाँ। अच्छा, कितना बजे आए थे? कितना बजे? 2 दिन लग गए आपको? अच्छा, कितना बजे पहुँच गए इधर? अच्छा, 1 बजे आ गए यहाँ पर पहुँचे। तो पानी पानी कब डालेंगे? अच्छा, अभी मतलब यहाँ पर पानी नहीं डाल दिया या लिंक के ऊपर, या कल डालेंगे 12 बजे के बाद? अच्छा अच्छा, 2 बजे, रात के 2 बजे करीब डालेंगे ना। अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। ये देख सकते हो जैसे कि ये वाला वेटिंग हॉल है कावड़िया लोग जो आए हैं दूर दूर से, यहाँ पर वेट कर सकते हैं, वेटिंग रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट रूम जिसे बोलते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? संबलपुर से आए हैं। अच्छा, कब आग पहुँचे यहाँ पर? अच्छा, अभी पहुँचे। कितना दिन लगा आपको यहाँ पर आग पहुँचने में? 3 दिन लगा। पैदल ही आए आप लोग? अच्छा, कितना किलोमीटर हुआ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर? 300 किलोमीटर आप पैदल ही आए? पहले 100 किलोमीटर ट्रेन से आया। अच्छा अच्छा, ट्रेन से आ गए? पैदल। अच्छा अच्छा, पानी डालते क्या? अच्छा, पानी डाल दिया या नहीं डालना? अच्छा अच्छा, कितना बजे डालेंगे? रात को 3 बजे। अच्छा अच्छा, 3 बजे डालेंगे, क्योंकि जैसे आज संडे या कल मंडे होते ही डालना स्टार्ट हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई। जैसे कि आपको बोला तूफानी, ये वाला ही हेड टेम्पल होता है, देखिए क्या ही व्यू दिखाई दे रहा है इधर से। एक छोटा बच्चा भी आए हैं। तो कहाँ से आए आप लोग? आंध्रा से, पानी डालने के लिए, पानी और ऐसे घूमने के लिए। तो इधर किधर रहते हैं कि सिर्फ घूमने के लिए आए हैं? चलो ठीक, जैसे कि देख सकते हैं आंध्रा से आए हैं घूमने के लिए, भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल। कितने लोग आए हैं? 5 लोग। 5 लोग आए हैं। कितना सारा बेल पत्ता लेके आए हैं कल के लिए? कल जो सोमवार पूजा होगा ना, इसलिए कितना सारा बेल पत्ता लेके आए हैं। तो भाई आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। तो पानी डालने के लिए आए से घूमने के लिए आए हैं? पानी डालने के लिए। कब निकले पंजाब से? शुक्रवार को पंजाब से निकले।
तो पानी डाल दिए कि पानी डालेंगे? पानी डाल दिया, अभी वापस जाएंगे पुरी। पुरी जाएंगे, पुरी जगन्नाथ दर्शन करके फिर घर देना है। अच्छा ओके, अच्छा लगा इधर। अच्छा ओके, आप अकेले आए हैं कि कोई दूसरा है? तीन आदमी आए हैं। तो दोस्त लोग आए हैं? अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा आप कहाँ से आए हुए हैं? केंद्रापड़ा। अच्छा आप केंद्रापड़ा से हुए आए हुए हैं, मतलब कब आके पहुँचे आप इधर? अभी जस्ट पहुँचे। कब निकले तुम आप केंद्रापड़ा से? शुक्रवार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली कितना किलोमीटर होगा? 110 किलोमीटर। अच्छा 110 किलोमीटर आप पैदल से ही आए? अच्छा अच्छा, अब पानी कब डालेंगे? अच्छा आज संडे है का, जैसे ही मंडे होगा मतलब 12 बज जाएगा तो आप पानी डालना स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई। और ये वाला देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर जॉगियाँ वगैरह हेन तेन जो कुछ होता है, पूजा पाठ सब इधर होता है। और ये रेस्ट रूम है कावड़िया लोग का। तो आप देख सकते हैं कितना दूर दूर से शिव जी के भक्त आए हैं उनके लिंग पर पानी चढ़ाने। अभी मतलब संडे है तो इतने ज़्यादा कावड़िया नहीं आए हैं, जैसे ही मंडे होगा देखना भाई, भीड़ ही भीड़ इधर। कितना सारा बैरिकेड लगाया हुआ है इन लोग का, उसके ऊपर लाके वो वाला जो पानी लेके आते हैं ना उसके ऊपर रखने के लिए, नीचे नहीं लगना चाहिए। तो फाइनली ये था मेरा पहला ब्लॉग, कैसा रहा क्या रहा आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और एक ज़रूरी बात, क्योंकि मुझे पता है आपको मैं मुस्लिम धर्म से हूँ तो मुझे हिंदू धर्म के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है, जितना जो कुछ हो पाया तूफान से बूझा समझा और वो वाला इस वीडियो में एनालाइज किया। तो पता नहीं कैसा रहा क्या रहा, ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ एक और एक ज़रूरी बात, मैं टेम्पल का इनसाइड भी हम लोग कुछ कवर क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि टेम्पल के अंदर मोबाइल और कैमरा दोनों प्रोहिबिटेड थे। तो ये था मेरा पहला ब्लॉग, और आप लोग का जब अच्छा रिस्पॉन्स आया तो बहुत ही जल्द मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है। थैंक यू।